हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, ये व्हिपिंग क्रीम ना बड़े सारे क्वेश्चंस एंड बड़े सारे डाउट्स क्रिएट करती है मन में, है नहीं? सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में इसी को लेकर के क्वेश्चंस आते हैं। और गाइज, इसीलिए आज के इस वीडियो में ही मैं कोशिश करूंगी कि व्हिपिंग क्रीम से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करूं। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन केस क्रीम को व्हिप करने के लिए जो इलेक्ट्रिक बीटर आता है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप क्रीम कैसे व्हिप करोगे? मिक्सी में? जी हाँ फ्रेंड्स, मिक्सी तो हर किसी के घर में होती है, मिक्सर ग्राइंडर जार। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप हमारे घर की जो मिक्सी मिक्सर ग्राइंडर जार होती है उसमें आप परफेक्ट व्हिपिंग क्रीम कैसे व्हिप करके तैयार कर सकते हैं अपने केक के लिए, डिजाइन करने के लिए केक को। और गाइज, मिक्सी में क्रीम को व्हिप करने के ना कुछ एक डूज एंड डोंट्स होते हैं, मतलब कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। अगर आप उनको फॉलो करके ही व्हिप करोगे क्रीम मिक्सी में तो ही वो सही से व्हिप होगी, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको व्हिपिंग क्रीम के बारे में पूरी और डिटेल जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आज क्या क्या मैं इस वीडियो में बताऊंगी इसका ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। तो सबसे पहले तो व्हिपिंग क्रीम होती क्या है, कितने तरह की होती है, ये कहाँ मिलती है, किस रेंज में आती है, व्हिपिंग क्रीम को स्टोर कैसे करना है, कितने दिन चलती है ये, क्रीम को स्टिफ रखने का बेकरी वाला सीक्रेट क्या है, ऐसा क्या करें कि क्रीम मेल्ट ना हो, और भी ढेर सारी छोटी बड़ी और इम्पोर्टेंट बातें और इन्फॉर्मेशन मैं क्रीम के बारे में आज आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम के कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, एक एक केजी के बॉक्सेस हैं ये, और इस तरह से फ्रोजन फॉर्म में अवेलेबल होती है व्हिपिंग क्रीम। जैसे आइसक्रीम आती है ना, वनीला आइसक्रीम, बिल्कुल उसी तरह की होती है ये। और जब आप इसे परचेज करने जाते हैं तो एकदम ठंडी ठंडी, एकदम फ्रोजन फॉर्म में हमें मिलती है, और इसे स्टोर भी हमें करना होता है फ्रीजर में। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रिज के सेक्शन में नहीं, फ्रीजर के सेक्शन में, जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं ना। तो गाइस, व्हिपिंग क्रीम केक्स को फ्रॉस्ट करने के लिए या फिर केक की आइसिंग करने की क्रीम होती है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन की जाती है किसी भी तरह की केक की आइसिंग के लिए, फ्रॉस्टिंग के लिए, डेजर्ट्स बनाने के लिए या पुडिंग वगैरह बनाने के लिए। नाउ ये जनरली तीन तरह की होती है, डेरी व्हिपिंग क्रीम, नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम एंड व्हिपिंग क्रीम का पाउडर भी आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो जनरली केक्स वगैरह बनाने के लिए ना हम नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये भीड़ बहुत अच्छे से होती है और स्टे भी बहुत अच्छे से करती है। नाउ इन सब में अंतर क्या होता है? तो नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट होता है, ये डेरी फ्री प्रोडक्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ डेरी व्हिपिंग क्रीम बनी होती है डेरी प्रोडक्ट से, मतलब जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं या फिर मिल्क पाउडर होता है उससे मिलके बना होता है। देन पाउडर्ड व्हिपिंग क्रीम, ये पाउडर्ड फॉर्म ऑफ क्रीम होती है। साथ ही जो व्हिपिंग क्रीम का पैक आता है, इसके साइड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है पैक पे, जैसे कि आपको किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, कितनी इसकी डेट है, मतलब जनरली हर एक व्हिपिंग क्रीम का उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वहां से लेकर के एक साल के अंदर उसकी एक्सपायरी डेट होती है। और ये शेल्फ लाइफ होती है व्हिपिंग क्रीम की जब उसका बॉक्स आपने खोला नहीं है। जब बॉक्स खुल जाएगा तब हम क्या करेंगे वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, अगर व्हिपिंग क्रीम के ब्रांड्स की बात करें तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम बड़े सारे ब्रांड्स में इंडिया में अवेलेबल होती है, जैसे कि अमूल व्हिपिंग क्रीम, टोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम, क्रीम बेल व्हिपिंग क्रीम, सुपरनोवा व्हिपिंग क्रीम, स्टार व्हिपिंग क्रीम और बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स। आपके आसपास जो भी ब्रांड अवेलेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इन सब की रेंज में भी डिफरेंस आता है, प्लेस टू प्लेस भी आता है, और हर एक ब्रांड की क्रीम का भी रेट अलग होता है। और 100 रुपीज से लेकर के 200 रुपीज तक पर केजी ये कॉस्ट करते हैं जनरली। और अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हर एक केक मटेरियल शॉप पे अवेलेबल होते हैं, और आजकल तो बहुत सारी बेकरीज भी अवेलेबल करती हैं, सेल ऑफ करती हैं व्हिपिंग क्रीम्स को। तो गाइस, जहां व्हिपिंग क्रीम की बात आई है वहां इसे बीट करने की भी बात आएगी। एंड फ्रेंड्स, आप कैसे अपने घर की मिक्सी से क्रीम व्हिप कर सकते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही बताऊंगी डिटेल में, बट अगर आपके पास में इस तरह का इलेक्ट्रिक बीटर है या फिर आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो इसीलिए मैं इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। तो गाइज, फिलहाल मेरे पास दो तरह के इलेक्ट्रिक बीटर है क्रीम के लिए। पहला इलेक्ट्रिक बीटर जो कि 300 वॉट का है और दूसरा इलेक्ट्रिक बीटर जो कि 800 वॉट का है। नाउ गाइज, ध्यान रखने वाली बात, जब भी आप इलेक्ट्रिक बीटर खरीदें क्रीम बीट करने के लिए कभी भी 300 वॉट से कम का नहीं खरीदें, क्योंकि अगर इसकी मोटर में कम पावर होगी तो जब आप क्रीम बीट कर रहे होंगे ना तो इसकी मोटर अपने आप ही गर्म होना शुरू हो जाएगी, फिर क्रीम व्हिप करना तो दूर की बात है, इसकी गर्मी से क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें स्टिफ पीक्स आने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो इसीलिए क्रीम व्हिप करने के लिए हमेशा 300 वॉट से ऊपर का ही इलेक्ट्रिक बीटर खरीदें। ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक बीटर है 800 वॉट का, ये मैंने इसलिए खरीदा था जब ढेर सारी क्रीम मुझे एक साथ बीट करनी होती है, जैसे कि 3 कप हो गया या 4 कप हो गया, जैसे हम कभी 2 टीयर केक बनाते हैं या फिर बड़े केक्स बनाते हैं
तो उनके लिए ना एक साथ ढेर सारी क्रीम इससे आप विप कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप होम बेकर हैं या फिर आप बेकरी का बिजनेस करते हैं तो आपको थोड़े से ज्यादा वॉट का लेने की जरूरत है, जिसकी मशीन थोड़ी सी ना हैवी ड्यूटी हो, 500 रुपए की रेंज से लेकर के जनरली 2500 तक की रेंज में अच्छे खासे इलेक्ट्रिक बीटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। आप जिसको भी रिलाई करते हो आप उस ब्रांड का इलेक्ट्रिक बीटर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में आजकल स्टैंड मिक्सर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं क्रीम को व्हिप करने के लिए। जैसे कि मेरे पास ये अगारो का स्टैंड मिक्सर है और इसमें ना पूरे के पूरे 1.5 लीटर क्रीम एक साथ विप हो जाती है। और इनके साथ एडवांटेज ये होता है कि आप बस एक बार क्रीम इसमें डालो और विपिंग के लिए ऑन कर दो, तो आप अपना बाकी दूसरा काम करते रह सकते हैं और ये अपने आप ही क्रीम को विप करके आपको देगा। तो अभी शुरू करते हैं क्रीम को विप करने का प्रोसेस। तो इस तरह का फ्रोजन 1 kg का विपिंग क्रीम का पैक मार्केट से लेके आए थे और इसको हमने रात भर के लिए फ्रीजर से हटा करके फ्रिज वाले साइड पे रख दिया था, जहाँ पे हम पानी वगैरह ठंडा करते हैं ना, वहाँ पे रख दिया था ओवरनाइट। तो अभी इसकी सारी क्रीम मेल्ट हो चुकी है, राइट? तो अभी ये एकदम चिल्ड है, एकदम ठंडा। हम शेक करेंगे इस बॉक्स को ताकि सारी की सारी क्रीम अच्छे से मिक्सअप हो जाए आपस में। और अभी हमें ओपन करना है इसके पैक को। तो गाइज, इसके लिए हमें कोई सीजर वगैरह की जरूरत नहीं है। इस तरह का ये देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है टॉप पे, और वीडियो में दिखाए गए तरीके से हम इसे एक साइड से खोलना स्टार्ट करेंगे और ऊपर से पूरा टॉन कर देंगे। तो व्हिपिंग क्रीम का पैक इस तरह से कुछ खुल जाएगा और इसके एक कॉर्नर से हम व्हिपिंग क्रीम को पोर करेंगे। नाउ, व्हिपिंग क्रीम निकालने के बाद जो बची हुई क्रीम है बॉक्स में, उसको ये देखिए मैं तो सिमिलर तरीके से वापस बॉक्स को बंद कर देती हूँ इस तरह से, और इसे ले जा करके हम फ्रीजर में रख देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको क्रीम को किसी एयर टाइट कंटेनर में पहले ट्रांसफर कर दें और फिर जा करके इसको वापस फ्रीजर में स्टोर कर दें। एंड फ्रेंड्स, ये व्हिपिंग क्रीम का बॉक्स एक बार खुल जाने के बाद जब आप फ्रीजर में स्टोर करके रखते हैं तो ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता, प्रोवाइडेड कि आपके यहाँ फ्रिज में लाइट बहुत ज़्यादा देर के लिए ना जाए। तो फ्रेंड्स, मिक्सी में क्रीम बीट करने के लिए सबसे पहले तो ये देखिए, मिक्सी के 2 जार मेरे पास रखे हुए हैं। एक है ये मीडियम साइज़ वाला जार और दूसरा है एकदम छोटा वाला जार। तो जूसर वाला आपको नहीं यूज़ करना, ये जो एकदम छोटा वाला ना, इसको भी नहीं यूज़ करना गाइस, क्योंकि जब क्रीम की वॉल्यूम बढ़ेगी तो इसमें क्रीम विप नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये मीडियम साइज़ का अभी जार लिया हुआ है और गाइस ये देखिए, इसको मैंने एकदम ठंडा किया हुआ है ओवरनाइट के लिए, मतलब कल रात में मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र में, वहाँ पे जहाँ पे बर्फ़ जमाते हैं हम फ्रिज में, और अभी ये एकदम एकदम अच्छे से ठंडा है। इसके ब्लेड्स भी ठंडे हैं, पूरा का पूरा ठंडा है। आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से यू नो निशान जैसे पड़े हुए हैं। तो इसे एकदम ठंडे ठंडे जार में हमें क्रीम को बीट करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैंने ली हुई है क्रीम जो कि एकदम ठंडी है अगेन, और ये 1 कप क्रीम अभी मैं डाल रही हूँ इस मिक्सी के जार में। नाउ फ्रेंड्स, मिक्सी में क्रीम व्हिप करते टाइम प्रॉब्लम आती है कि मिक्सी का जो मोटर होती है ना, उसकी वजह से चीज़ें गर्म होने लगती हैं, और जैसे ही गर्म होनी शुरू होती हैं चीज़ें, वैसे ही व्हिपिंग क्रीम जो है वो व्हिप होना बंद हो जाती है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए देखिए, मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको मैंने एकदम ठंडे चिल्ड पानी में भिगो करके थोड़ा सा निचोड़ लिया है। ये देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें टपक रहा है, और इसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पे हमारे मिक्सी के जार के अराउंड, ताकि ये जो ठंडी हमारी एकदम क्रीम इस मिक्सी जार में पड़ी हुई है वो बिल्कुल ठंडी रहे, गर्म ना हो। उसके बाद में क्रीम को व्हिप करें, तभी आपकी क्रीम अच्छी व्हिप होगी, अदरवाइज़ वो मेल्टेड ही बनी रहेगी गर्म हो करके, उसमें स्टिफ पीक्स नहीं आएंगे। बट फ्रेंड्स, अभी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है, मतलब एसी चल रही है, इसलिए यहाँ पे ये ठंडे कपड़े की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने ये कपड़ा हटा दिया है। और अभी इस मिक्सी जार को ले जा करके मैंने सेट कर दिया है मिक्सी की मशीन में। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ से ना मैं वीडियो एकदम प्रॉपर लाइव कर रही हूँ, मतलब एक भी कट अब मैं नहीं दूंगी वीडियो को, जब तक कि स्टिफ पीक्स वाली हमारी क्रीम इस मिक्सी में बन करके तैयार नहीं हो जाती। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको एग्जैक्टली लाइव पता चले कि आपको कैसे क्रीम व्हिप करनी है इस मिक्सी में, अदरवाइज़ गाइस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। इसलिए प्लीज़ आप इसको लाइव प्रोसेस को देखें बिना किसी कट के। और मैंने इसको करीब करीब अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए व्हिप किया होगा, फिर मैंने इसको ऑफ करके वापस ओपन किया है ढक्कन को, और ये देखिए क्रीम जो है ना वो काफ़ी थिक हो गई है और थोड़ी सी वॉल्यूम में ज़्यादा भी हो गई है, मतलब क्वांटिटी में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस स्टेज पे आपको वापस क्रीम को व्हिप करना है। इसके लिए सबसे पहले तो आप चेक करें गाइस मिक्सी के ऊपर से ही कि क्या क्रीम ठंडी है, ठंडी है तो एकदम बढ़िया काम है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा।
तो ये देखिए गाइस, जब मैं सेकंड टाइम इसको बीट कर रही हूँ, व्हिप कर रही हूँ, तो आवाज़ ये देखिए मिक्सी की हल्की सी चेंज हुई है। तो इससे पता चल रहा है कि जो क्रीम है ना अंदर जार के, वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। मिक्सी की आवाज़ चेंज हो जाती है इस प्रोसेस के दौरान, और जैसे कि आप देख सकते हैं क्रीम बिल्कुल ही गाढ़ी नज़र आ रही है। बट गाइज, अभी इस स्टेज पे आपको ध्यान देना है, आपको देखने में ये एकदम गाढ़ी नज़र आ रही होगी, बट आप इसे ज़रा सा भी मिक्स करेंगे ना तो ये फिर से फ्लैट हो जाएगी। मतलब आप इससे डेकोरेशन नहीं कर पाएंगे केक की, क्योंकि केक की डेकोरेशन के लिए एकदम स्टिफ पीक्स आपने चाहिए होते हैं, और इसीलिए आपको एक बार और बिल्कुल थोड़ा सा व्हिप करना है। तो इस बार मैंने ढक्कन लेकर के, क्योंकि ढक्कन में क्रीम काफ़ी लग गई थी, ढक्कन को मैंने क्लीन कर दिया है और सारी क्रीम इसी में जार में डाल दी है। और ये देखिए, मैं दो बार इसको पल्स मोड पर अभी व्हिप करूँगी, मतलब एक बार ऑन करके बस 10 सेकंड के लिए फिर से ऑफ, फिर से 10 सेकंड के लिए ऑन करके फिर से ऑफ। और गाइस, मेरे हिसाब से अभी तक क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी होगी, क्योंकि आवाज़ इसकी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और ये देखिए, मैंने कहा था ना क्रीम अच्छे से व्हिप हो रही है, इसीलिए अब इस बार ढक्कन पे छींटे नहीं पड़े हैं। एंड लुक एट दिस गाइस, इस बार वॉल्यूम भी बढ़ी है इस क्रीम की, और पहले से इसका टेक्सचर काफ़ी अलग है। तो ये देखिए गाइस, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट व्हिप हो चुकी है क्रीम। और ये देखिए, जब मैं इसको ले रही हूँ स्पैचुला में, तो उसमें स्टिफ पीक्स बन रहे हैं। स्पैचुला लेकर के मैंने उल्टा भी किया है, क्रीम नहीं गिरी है नीचे। इस स्टेज पे ये देखिए, मैंने क्रीम का जो जार है ना, मिक्सी का जार, वो पूरा का पूरा उल्टा कर दिया है और ये अपनी जगह पे है। इसका मतलब है कि क्रीम अच्छे से व्हिप होकर के तैयार हो चुकी है। और गाइस, आपको फर्स्ट वाले नंबर पे ही आपको व्हिप करनी है क्रीम को, प्लीज़ थर्ड या फोर्थ जो बहुत ज़्यादा तेज़ व्हिपिंग होती है उस पर मत कीजिएगा, बिकॉज एज सच मिक्सी की व्हिपिंग जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक बीटर से तेज़ होती है। 1 mm नोजल वाले पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम फिल की है, और कितने बढ़िया कट्स आ रहे हैं, रोजेट्स एकदम परफेक्ट बन रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि मिक्सी वाली क्रीम और जो इलेक्ट्रिक बीटर से आप बीट करते हैं क्रीम, उनमें अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रिक बीटर से क्रीम जो है वो बीट करने पे वॉल्यूम उसका ज़्यादा बढ़ता है। मतलब एक कप क्रीम अगर आप व्हिप करोगे इलेक्ट्रिक बीटर से, तो मिक्सी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा वॉल्यूम में हो जाएगी, मतलब ज़्यादा फूलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक बीटर में जो पीक्स बनते हैं क्रीम के, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मिक्सी में भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन आपको तुरंत क्रीम यूज़ करनी होती है, ज़्यादा देर रखेंगे तो वो फ्लैट होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने ये केक लिया है, जिससे मैंने कल रात में बना के यूनिरैप से कवर करके रखा था। तो गाइज, यूनिरैप से अगर आप अपने केक स्पॉन्ज वगैरह को कवर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश बने रहते हैं, ड्राई नहीं होंगे, मॉइस्चर नहीं खोएंगे, बहुत यूज़फुल होता है ये। तो अभी अपनी मिक्सी में व्हिप करी हुई क्रीम से आइसिंग कर रहे हैं अपने इस केक की हम। तो गाइज़, अब अगर आपके पास में घर पे इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, तो आपको क्रीम को बीट करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी मिक्सी में बिल्कुल परफेक्ट क्रीम व्हिप करके तैयार कर सकते हैं। नाउ गाइज, अब बड़े पते की बात। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो क्या होता है कि क्रीम जल्दी जल्दी मेल्ट होने लगती है, और अगर बन भी जाए स्टिफ पीक्स तो बड़ी ही जल्दी फ्लैट हो जाते हैं। तो जनरली बेकरीज में क्या करते हैं ना, इस तरह का सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं व्हिपिंग क्रीम में। नाउ ये क्या होता है सिट्रिक एसिड, इसे नींबू का सब भी कहते हैं हिंदी में। और ये देखिए, इस तरह के क्रिस्टल्स जैसे होते हैं, जैसे शक्कर होती है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन ये मीठा नहीं होता, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है ये गाइस। तो अगर आपके कभी क्रीम बनाते टाइम मुश्किल आ रही है, स्टिफ पीक्स नहीं बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, तो बिल्कुल चुटकी भर इस तरह का सिट्रिक एसिड लेके इसको पीस करके क्रीम में ऐड कर दीजिए। होगा क्या कि इमिडिएटली इसके इफेक्ट से क्रीम ना स्टिफ हो जाएगी, राइट। आई होप आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।